टू वे प्रीपोजिशंस। अभी तक हम लोगों ने जो प्रीपोजिशंस करी हैं अकुजेटिव और डेटिव। अकुजेटिव प्रीपोजिशंस में हम लोगों ने बेफुट डॉग है, बेफुट डॉग है, बेफुट डॉग, बेमानव दास, बेश बेश फ्यूर फ्यूर उम उम दोष दोष ऑने गेगन 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 एंड लॉग एंड एंड लॉग। ये करी डाटिव में हमने करी बेमा वो बेमानव दास बेमानव बेईमानी बेमानव बेमानव बे बेमानव ना बेमानव 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 जापसा बेमानव बे मानव मानव दापसा तो बीस बाई बाई मिट मिट वेट आउट आउट नाक फोन फोन जाइट आप आप गेगनुवर गेगनुवर जू जू सू 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 और ये टू वे प्रीपोजिशन अब करेंगे हम लोग। और ये टू वे प्रीपोजिशन मैं श्रुति विक्रम अमन आप लोगों के लिए भी बना रहा हूं, आज शाम को मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। सो टू वे प्रीपोजिशंस जो प्रीपोजिशंस हैं वो हैं टेन प्रीपोजिशंस हैं, टेन प्रीपोजिशंस हैं टू वे प्रीपोजिशन। जैसे आपको लिखवाई तो नहीं अभी फास्ट नाई फास्ट सू नाई यू फास्ट सू नाई यू फा सू नाई यू नाई यू ये नाई है जो आपको फंसा लेता है। फास्ट सू वासु मत बोल देना, वासु तो नाम है, हालांकि उसका वसुदेव नाम है उसका, लेकिन फास्ट सू नाई यू। सो फोर फोर हाउस हाउस स्टेशन इंटर इंटर उंटर नेवर उंटर नेवर ऑन आव ऑन ऑन इन इन उबर उबर उबर। ये प्रीपोजिशंस हैं, टेन है, ये नाइन है, नाइन नाइन है, थ्री नियोन नाइन, ये नाइन प्रीपोजिशन। ये टू वे का मतलब है ये प्रीपोजिशन कभी तो खुद को डाटिव बना लेती है और कभी अकुजेटिव बना लेती है, इनमें अलग ही कला है। ये अपने आप को डाटिव और अकुजेटिव दोनों बना लेती है और इनका मीनिंग सबसे पहले मीनिंग बताऊं आपको फिर एक एक करके। फोर का मतलब है बिफोर पहले सामने और पहले भी इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ के सामने। जैसे मैं तुम लोगों के सामने हूं तो आ जाएगा फोर के बाद में ऑफ। ऑफ का मतलब है ऑन, लेकिन ऑन द टॉप ऑफ। फिर इसका तो बिफोर या पहले भी होता है, होता है ना, तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ में लेंगे इसको, लेंगे इसको बिफोर हाँ। पहले या इन फ्रंट ऑफ स्विशन बिटवीन हिंटर मतलब पीछे ऑन द फुट आउट हिंटर का मतलब है बिहाइंड आउट का मतलब क्या है ऑन 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 द टॉप ऑफ ऑन द टॉप ऑफ का मतलब कोई चीज के ऊपर। जैसे मेरा हाथ मेरे सिर के ऊपर है ऑन द टॉप ऑफ क्या बोलते हैं बिटवीन श्वेशन के बीच। यस प्लीज हिंटर का क्या मतलब बताया मैंने ऊपर पीछे बिहाइंड बिहाइंड उंटर इज अंडर नीचे ये हो गया पीछे ये हो गया नीचे अंडर द टेबल बिटवीन के बीच में दो के बीच में चार के बीच में
के बीच, नेबर का मतलब नियर, पास में है, नेक्स्ट टू, पास में, ऑन का मतलब है ऑन, बाय द साइड ऑफ, तभी अंडर में खाली नीचे होगा, अंडर का मतलब नीचे और भी हो सकते हैं, नीचे रन करना आपको पोजीशन, ये जो फात्सु नाई अब नीचे होता है, लेस देन भी होता है, और भी मीनिंग हो सकते हैं, मेनली ये मीनिंग रहेंगे, बाय द साइड ऑफ, यस, इंडे, नियर, पास में, नेवन का हो ना पास में, तो ये बाय द साइड ऑफ, ये नेवन का मतलब नियर, नेक्स्ट टू, बाय द साइड ऑफ, ये बाय द साइड ऑफ तो इसका है नीचे वाले, हाँ तो इसका क्या मतलब, ऑन, ये, अभी आपको समझाऊंगा मीनिंग, है ना, इन का मतलब है इन या इनटू, यूवर का मतलब है ओवर, ऊपर, फर्क इनका क्या है, अभी सीखेंगे हम लोग, मीनिंग के, फात्सु नाई यू, फात्सु नाई, ये वो प्रीपोजिशंस हैं जो डाटिव और अकुजेटिव दोनों तरह से खेलती है, अकुजेटिव और डाटिव दोनों, ये जो प्रीपोजिशन है ये टू वे है, ठीक है, ये टू वे का मतलब ही हो गया कि डाटिव भी और अकुजेटिव भी, डाटिव एंड अकुजेटिव बोथ, अब इनका मीनिंग समझ लो आप, चलो मीनिंग बाद में समझ देंगे, दो मिनट योगा कर लेते हैं, उससे मीनिंग भी समझ में आएगा, लिख लिया ना आपने एक बार इसको, सॉरी मैं एक एक्शन करूंगा और आप समझने की कोशिश करना कि कौन सी प्रीपोजिशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, ऊपर, आउफ, आउफ का मतलब है ऑन, लेकिन ऑन द टॉप ऑफ और ऊपर से टच भी होता है, लेकिन मैं ऐसे कर लूं तो इसको ह्यूबर माना जाएगा, यूबर में या तो कोई चीज टच होती नहीं या फिर होते हुए निकल जाती है, ठीक है, यूबर, 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 आउट ऑफ, आउट ऑफ, तो ऊपर से कोई चीज टच है ऑन द टॉप ऑफ तब है वो आउट, और साइड से टच है तो ये है आन, 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 आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, लेकिन साइड से टच है ये बोर्ड जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन, ये कोई दीवार पर टच होगी, कहीं ना कहीं लगा रखा होगा मैंने, तो इसमें आन आएगा, और दीवार को फोड़ के उसके ऊपर रखे हूं तो आएगा आउट, ठीक है, आन का मतलब है साइड से उसके लेवल पे, ठीक है, नेक्स्ट, एक इन भी है कुछ आगे मुंह में लगता है, इन कुछ मेरे मुंह में है, इन 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 दिस वन आन 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 This one? Between. Between. दोनों हाथों के बीच में. Between के लिए swishan. Swishan. Preposition. सर इस पैसे को कर सकते हैं. दोनों के बीच में. हाँ. बीच में बताना है तो ऐसे कहेंगे. ऐसे भी तो कर सकते हैं. कह सकते हैं कि मेरा हाथ मेरा सिर दोनों के बीच में है. कह सकते हैं.
इसको ऐसे चिपका के, चिपका के भी कहोगे कि भाई मेरे दोनों हाथों के बीच में क्या है, मेरा सिर है, कह सकते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन कोई चीज साइड से चिपकी हुई है बोलना है तो आन, आन। नीचे आन नहीं है, आन में तो चिपकता है, ये नेबर है, नेबर मतलब नियर, पास में, अभी चिपक गया तो आन, आन, नेबर, नेबर, बिटवीन, सिचुएशन, हिंटर, हिंटर, फोर, फोर for enter enter for your out 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 on 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 never never your enter enter phone between situation कहीं तो बोल ही नहीं रहे कि गलत होगा तो बोलने वाले का होगा। आन 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 इन उन्टर नीचे उन्टर इन यूवर आउ आउ इन्टर इन्टर फोर फोर आन नेवन 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 आन गौतम के तो गलत होने की संभावना ही नहीं है, वो बोल ही नहीं रहा। हिंटर फोर फोर सिचुएशन बीच वाला, ये मीनिंग है इसके, सिचुएशन टफ थोड़ी है। नो सर, मेरी ना अब आपको ये बोलूं मैं कि मेरा पेन टेबल पर रखता हूं, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? आउट मेरा कुत्ता टेबल के नीचे बैठा है तो उंटर उंटर आएगी। मेरी बिल्ली टेबल के ऊपर बैठी है तो आउ टेबल के ऊपर ऊपर बैठी है आउ ऑन द टॉप ऑफ। ये दीवार घड़ी दीवार पे टंगी हुई है आन सर आन बाय द साइड ऑफ थोड़ा थोड़ी दीवार को ऊपर से वैसे नहीं नहीं आन आन ना ओके। मैं कमरे में हूँ इन 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 कमरे में इन तुम मेरे और अमित के बीच में बैठे हो सिचुएशन सिचुएशन ऐसी तो बनेगी सेंटेंस। सो ये वाली प्रीपोजिशंस ये तो मैंने आपको बता दिया कि मीनिंग क्या है ये बताया। अब इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट ये बताने वाला हूं कि इनका पता कैसे चलता है कि ये डांटी हुई कि आपको डांटी हुई। अभी तो यही पता है कि ये दोनों है डांटी हुई आपको डांटी हुई। आपको डांटी हुई प्रीपोजिशन और डांटी हुई प्रीपोजिशन है तो कंफ्यूजन ही नहीं है। उनको पता है कि वो कौन है, उनको पता है वो या तो आपको डांटी हुआ है या डांटी हुआ है। डांटी हुई आपको डांटी प्रीपोजिशन का यही तो सिखाया है कि प्रीपोजिशन दिखते ही बोल दो डांटी हुई, दिखते ही आपको डांटी हुई। इनमें देख के सोच के बोलना है, इसमें सोच के कैसे बोलना है कि ये बोल दूं मैं आउफ कौन सी प्रीपोजिशन है तो आप होगी तो दोनों ही है। इस सेंटेंस में कौन सी है ये देखना पड़ेगा अपन को। इसमें तो ताकत तो दोनों ही है, फुटबॉल भी खेल लेते हैं कबड्डी भी खेल लेते हैं तो दोनों ही आती है इनको कला तो। सो अब ये प्रीपोजिशन आपको जाटी होंगी अगर आपको इनमें मोशन प्लस डायरेक्शन दिखे
तभी आकुलिटी होगी। मोशन प्लस डायरेक्शन का क्या मतलब है? जैसे मैं कमरे में आ रहा हूं, तो पहले तो कमरे में नहीं था ना, मैं नहीं था। आ रहा हूं और कोई पर्टिकुलर दिशा में जा रहा हूं, तभी तो बात बनेगी। मैं अभी कैमरे के सामने तो नहीं हूं ना, नहीं, मैं कैमरे के सामने आ रहा हूं, डायरेक्शन, तो इमोशन हो गया और एक डायरेक्शन भी होगी, कैमरे के सामने आ रहा हूं। तो जब भी मोशन और डायरेक्शन होगा तो वो आकुलिटी। मैं मेरे पेन को यहां टेबल पे रख रहा हूं, आकुलिटी, पहले से थोड़ी पड़ा है पेन। और अगर मैं बोलूं आपने बोला पेन कहां है, मैं बोलूं टेबल पर पड़ा है, पहले से पड़ा है, तो डांटी उतार। अब टेबल के ऊपर ही है वो अभी भी, पहले से अगर पड़ा है, स्टैटिक सिचुएशन है, डांटी का मतलब है ऑलरेडी देयर, नो मोशन, उसमें कोई अड़चन नहीं होगी डांटी में। यस, या फिर विद इन ए बाउंड्री, दो बातें हैं भाई, इसके पास भी दो बातें हैं। ये डाटी वाला कह रहा है कि मैं तो या तो ऑलरेडी वहीं रहूंगा, ऑलरेडी देयर, ये कह रहा है नो मोशन, या तो ये समझ जाना कि मोशन नहीं है, या फिर ऐसे देख लेना कि विद इन द बाउंड्री, एक लिमिट है उसकी, लिमिट के अंदर। जैसे मैंने आपको बोला मैं कमरे में हूं, डांटी हूं या आपको डांटी हूं? डांटी हूं, डांटी हूं सर। तो बाउंड्री के अंदर हूं ना मैं, अब मैं नाच रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, खेल रहा हूं, कमरे के अंदर, यहां वहां कमरे के अंदर ही जा रहा हूं, तो मैं तो कहीं पहुंचूंगा थोड़ी, कमरे में ही रहूंगा, और कमरा की कोई बाउंड्री तो होगी। तो इसलिए ये फर्क है, इससे पता चलता है कि वो एक्यूजेटिव है कि डांटी है। आपको इनके मीनिंग लर्न करने हैं, और इसके साथ आपको कुछ सेंटेंस, तो सेंटेंस नहीं, प्रीपोजिशन और अच्छे से समझने के लिए कुछ वर्ब बता रहा हूं मैं, वो वर्ब बोल देख लेनी है बस आपको, सेंटेंस तो फिर आ जाएंगे। आपको कुछ एक वर्ब ये देखने से आपको पता चली जाएगा कि ये कौन सी कैटेगरी की है। yes, sir, sir. देखते ये तो अलग है ना, sir. ये तो सू से अलग है ना, ये तो बिस से अलग है ना, yes, अलग देखते ही आपको ये पता चल जाएगा कि टू एक कैटेगरी की है। yes, फिर मोशन है कि नहीं उससे वो पता चल जाएगा, बट और इजी हो जाएगा अगर ये वर्ब लर्न कर लोगे तो। जैसे लीगेंट, लीगल, जेटसन, 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 लीगल का मतलब है टू पुट समथिंग। तो ये डबल एस वाला ऐसे या जेटसन में? ये जेटसन जेड है, ये जेड है क्या? जेटसन और ये जेटसन, सो ये टू पुट क्या रहा है? ये जेड है, टू पुट समथिंग, समथिंग को लिखा है मैंने, समथिंग है, टू पुट समथिंग, कोई चीज को रखना, और इसका मतलब है ऑलरेडी लेइंग, पहले से ही रखी होना। इसमें आप रख रहे हो, इसमें पहले से ही रखी हुई है, तो ऑलरेडी वाली डाटिव है और वो पुट पर। यस, ये डाटिव है या आपको डाटिव है। जेट्सन का मतलब आकर बैठना, और इसका मतलब है ऑलरेडी सिटिंग। तो ये होगी आकुजाटिव, ये होगी डाटिव। स्टेलन और स्टेहन, इसका मतलब है टू पुट समथिंग वर्टिकल। लेगन का क्या है? टू पुट, टू पुट समथिंग हॉरिजॉन्टल, कोई चीज को ऐसे रखना, और यहां वर्टिकल लिख दिया मतलब कोई चीज को ऐसे खड़ी करना,
तो ये वाला है टू पुट समथिंग वर्टिकल और ये है ऑलरेडी स्टैंडिंग. स्टेलन स्टेहन लास्ट लीगन लीगन जेटसन जिटसन स्टेलन स्टेहन और हैंगन और हैंगन. ये दोनों दिखेंगे भी एक सी हैंगन और हैंगन. स्टेहन का मतलब पहले से खड़ा होना, जैसे मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं पहले से ही हूं ऐसे. हैंगन का मतलब है कोई चीज को टांगना, टू हैंग टांगना, और इसका मतलब है ऑलरेडी हैंगिंग पहले से कोई चीज टंगी होना. ये वर्ब देखते भी आपको पता चल जाएगा कि मोशन है कि नहीं है. तो हर बार ऊपर वाला मैंने जानबूझ के अकुजेटिव लिखा है, नीचे वाला डेटिव. यहां भी अकुजेटिव डेटिव ठीक है. और विजय मैं उनसे बात कर रहा हूं. विजय अमन आज आपकी मैं शाम को क्लास नहीं ले रहा हूं इसलिए ये वीडियो शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ ठीक है. You have to learn it. Weekend में आपको ऑलरेडी accusative verb का पता चल गया, dative का पता चल गया, ये वाली और लर्न करनी है ठीक है. और ये फिर बात बन जाएगी. आपको इतना आना चाहिए कि देखते ही आप बता दो कि ये कौन सी कैटेगरी की है. ओके डन चूस इस वॉकरेंडर.